बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका होस्ट, आप सभी का भाई नोरेस भट्टी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जॉब्स की प्रोफाइल को। पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं कि जॉब्स की प्रोफाइल है क्या। मान लीजिए कि ETL TTS की मुख्तलिफ वॉइसेज हैं, मसलन रीड शैली। अब मैं चाहता हूँ के डेस्कटॉप पर मुख्तलिफ मेन्यूज़ जो उनसे हैं वो ETLOQUENCE TTS पढ़े, यानी कि एलोक्वेंस की आवाज़ पढ़े, लेकिन जो मैं टाइपिंग करूं वो शैली पढ़े, जो उनसी जॉस के अंदर फीमेल की आवाज़ है वो पढ़े या कोई और पढ़े। एक और मसाल लेते हैं, याद रखिए कि नरेटर को भी आप नरेटर की भी प्रोफाइल एक तरह से क्रिएट कर सकते हैं जॉस के अंदर ही। वो आगे चल के बात करते हैं। मान लीजिए अब मैं चाहता हूँ मेन्यू जो उनसे वो मेरे नरेटर पढ़े, और जो उनसे कीबोर्ड के अंदर टाइपिंग है वो नरेटर की आवाज़ पढ़े। याद रहे ये विंडो 8 और 10 के लिए, ये विंडो 8 और 10 वालों के लिए इस वजह से है क्योंकि विंडो 8 और 10 के अंदर नरेटर की 8.1 के अंदर नरेटर की 2-3 वॉइसेस होती हैं, तो आप उसको यानी कि कन्फिगर कर सकते हैं। लेकिन आज हम जॉब्स की प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो हम चलते हैं अपने जॉब्स की जानिब। जॉब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अप, शॉर्ट तरीका है ऑल्ट ओ प्लस वी, आप प्रेस करके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं, क्योंकि मेरा फोकस ऑप्शन पर है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर राइट एरो करूँगा। डाउन एरो से वॉइस एडजस्टमेंट पे आऊँगा। वॉइस एडजस्टमेंट डॉट डॉट डॉट, इस पर एंटर करूँगा। एंटर लीविंग मेन्यू वॉइस एडजस्टमेंट डायलॉग प्रोफाइल नेम कोलन कॉम्बो बॉक्स एलोक्वेंस 1 to 5 द चेंज द सिलेक्शन यू द ईयर। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोफाइल्स आ रही हैं। एलोक्वेंस जो है हमारी डिफॉल्ट है। Sappy 5x dash left parent memory white parent narrator की आवाज है। eloquence मैं दोबारा eloquence रख देता हूँ। फिर हम टैप करेंगे delete profile but add synthesizer link। यहाँ पर लैंग्वेज में आके यूनाइटेड स्टेट रखेंगे। English dash United States। फिर टैप करेंगे add set add speak sample button to add voice adjust colon combo box all context voice adjust colon combo box all context। यहाँ पर मैं कीबोर्ड वॉइस रखूँगा। Keep jog keyboard voice टैप करेंगे एड वॉइस पर्सन कोलन कॉम्बो वॉइस पर्सन, ये रीड जोन से वो ETL को स्टेटस होता है। यहाँ पर मैं ये रख सकता हूँ बॉबी। यहाँ से रेड डाउन कर सकते हो, यानी कि स्पीच ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पर मोस्ट सम या जो भी आप रखना चाहो ऑल रख सकते हो, मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। पिच चेंज कर सकते हो। सेव डॉट 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 पर आपने एंटर कर देना है। यहाँ पर प्रोफाइल का नाम देना है। मैं यहाँ पर नोरेज लिख देता हूँ। ओके पर आपने स्पेस बार कर दिया। यहाँ पर ये पूछ रहा है मेक डिफॉल्ट वॉइस, आपने यहाँ से नो कर देना है और 10 भी कर सकते हो, टैप की मदद से नो कर सकते हो। फिर आपने शिफ्ट टैप करना है, अप्लाई पर आकर एंटर कर देना है। फिर दोबारा वो बोल रहा है मेक डिफॉल्ट वॉइस, आपने दोबारा से ऑल्टर कर देना है। फिर से शिफ्ट टैप करते हुए ओके पे ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब हमारी जॉब्स की प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि जॉब्स की प्रोफाइल को अनेबल कैसे करना है। सिंपल कमांड है इंसर्ट कंट्रोल प्लस एस। Select the voice profile dialog for person. यहाँ पर 6 आ रही है, तो यहाँ पर मैं नुरेज अहमद वाली वॉइस को सिलेक्ट कर लूंगा। And Nuraz Ahmed for Windows OS colon combo box Nuraz Ahmed 607. अच्छा यहाँ पर आपने ओके नहीं करना, टैब की मदद से बल्कि एंटर कर देना है। Enter folder view list view notes. आप देखा कि टाइपिंग पे लड़की की आवाज आ रही है और मेन्यूज पे
अब हम नोटपैड के अंदर जाके टाइपिंग करते हैं। अभी देखिएगा कि ये लड़की की आवाज में टाइपिंग होगी। आप डॉन आप एरो से देखेंगे। देखा ये अब मेन्यूज जॉस बोल रहे। तो अब हम सीखेंगे कि जॉस की आवाज में वापस हमने किसा जाना है, यानी कि आपको प्रोफाइल पसंद नहीं आई तो आप चाहते हो कि मैं दोबारा उसके अंदर वापस टर्न हो जाऊँ, तो वो किसा करेंगे ये देखते हैं। इंसर्ट कंट्रोल प्लस एस Select the voice profile dialog, default colon combo box, eloquence 1 of 6, to change the select. Eloquence पे आने के बाद For Windows OS colon combo box, use default 1 of 7, Eloquence, use default, eloquence. Eloquence पर एंटर कर दे रहे हैं। Folder view A. अब आपने देखा कि ये जॉस की आवाज़, यानी कि वापस आ गया अब टाइपिंग में हमारी ETL constituents की बात है। N, N, E, D, N, Doors, N, Doors, Let, N, Notepad, Enter, Untitled, Dash, Notepad, Edit, Type, and I, A, M, M, Y, O, R, R, U, R, Your, N, R, I, E, M, M, N, E, Grand, N, O, E, 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 S, S, E, R, A, X, X, Z, E, Doors, I am your friend, Doors. तो अब से ये दोबारा डिफॉल्ट जो वॉइस है ETL constituents की वो आ गई। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों को भी इससे आगाह ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।